Yo, what's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another new gameplay video. तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Last Day Rules Survival. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अभी अपना चल रहा है रैंक सर्वर एंड अपने सर्वर पे guys अभी आ चुका है अटैक हेलीकॉप्टर. तो इस सर्वर पे देखो भाई, हेलीकॉप्टर, एवेंजर, ईजी, टैंक और सारे के सारे ड्रॉप वगैरह बस हम ही लोग लूट रहे थे और कोई भी बंदे को लूटने का मौका भी नहीं दे रहे थे. बट अभी guys जैसे ही अटैक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर रॉकेट बेस ही जा रहा था और अपना बेस ठीक रॉकेट बेस के बाजू में, लेकिन भाई रॉकेट बेस जाने से पहले ही कोई एक दूसरे टीम वाले ने पकड़ लेता है हेलीकॉप्टर को. अभी देखो भाई, वो लोग बेस से हेलीकॉप्टर को रोक के रखा है, थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा है हेली को. और इधर से अभी हम लोग भी आ चुके हैं. हम लोग भाई कोशिश कर रहे हैं कि हेली को हम ले जाए अपने बेस की तरफ, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हेली जो है वो उनकी बेस पे ही रहे. अभी भी उनकी बेस पे ही है, देख सकते हो भाई हेली को ऑलरेडी वो लोग आधा डैमेज दे चुके हैं. तो यहाँ पर एक साइड से हेली को हम अपनी तरफ खींच रहे थे और दूसरे साइड से एनिमी लोग वो लोग अपनी तरफ खींच रहे थे. तो देखते भाई आखिरकार एड में जाके हेली किसको मिलता है. यहाँ पर यार जो दूसरा टीम के बंदे वगैरह है ना, वो लोग बेस के अंदर से ही हेली को डैमेज दे रहे थे. मैं तो चाह रहा हूँ बस वो लोग एक बार बाहर निकले. अगर वो लोग बाहर निकल गया ना, फिर मैं उनके मुंह पे सीधा बजुआ ही भर दूंगा. बाकी यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो, अपने टीममेट लोग भाई हेली को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भाई पैगा से इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि मेरे को इधर से कवर देना है इन लोगों को. जो भी बंदा दिखेगा भाई बाहर, उसके सीधा मुंह फोड़ना है. तो खैर मेरी नज़र भाई फुल ज़मीन की तरफ है, देखते बंदा वगैरह दिखता है कि नहीं हमको. वैसे तो भाई एनिमी लोग घर से निकलने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, वो लोग अपने छत से ही हेली को फोड़े जाता था और मैं भाई उनके छत पे भी नहीं जा सकता क्योंकि भाई छत पूरा उनका ऑटो कैनन से भरा हुआ है. बंदे लोगों ने बहुत ज़्यादा कैनन वगैरह ला के रखा है. मैं इधर हेली फोड़ने के लिए एमो वगैरह लाया था जो कि अभी मेरा काम नहीं आ रहा, मेरा टीममेट लोग फोड़ रहा है. बस एक बार हेली यार अपने बेस के पास चला जाए ताकि भाई जो एनिमी लोग हैं ना, वो लोग उनकी बेस से हेली ना फोड़ पाए. बस जैसे जैसे उन लोगों को अब उनकी बेस से बाहर निकलना है, उसके बाद भाई सब कुछ हम संभाल लेंगे. बट लिटरली गाइस ऐसे हेली हिलने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था. जैसे ही हेली अपनी तरफ बस आता है भाई, तुरंत वो लोग उनकी तरफ बुला लेते हैं. तो बस हेली एक ही जगह पे अटका हुआ था. खैर हम कोशिश तो फुल कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई आ पाता कि नहीं. ओके तो अभी देख सकते हो हेली अपनी तरफ आ रहा था, बट दोबारा से मुड़ के भाई उनकी तरफ जाने लग गया. भाई यहाँ पर बहुत गलत सीन हो रहा था. ऑल राइट गाइस, तो जैसे तैसे बहुत मुश्किल से अपने टीममेट लोगों ने हेली को काफ़ी हद तक खींच के अपने बेस की तरफ तो ले आ चुका है. हेली का हेल्थ भी भाई काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, देख सकते हो भाई रेड हो चुका है हेली का हेल्थ, काफ़ी जल्दी ये फूट जाएगा. लेकिन भाई मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी एनिमी लोग कहाँ से हेली को आखिर डैमेज दे रहा है. भाई मेरे को नहीं लगता कि अभी वो लोग उनके बेस से इतनी दूर तक भाई हेली को डैमेज दे पाएगा भी. मेरे को ना ढूंढना पड़ेगा, वो लोग यहीं कहीं छुप छुप के डैमेज दे रहा होगा. रुको ज़रा, सबसे पहले तो अपने पैगा के लिए थोड़ा सा फूड कलेक्ट कर लेता हूँ. इधर से मैं थोड़ा सा बेरीज वगैरह उठा लेता हूँ, अपने पैगा को खिलाना पड़ेगा. यार पैगा का फूड काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है. ये देखो भाई हेली दोबारा से उनकी बेस की साइड पर जा रहा है. भाई पता नहीं यार कहाँ से वो लोग छुप छुप के हेली को डैमेज दे जा रहा है और हेली को बुला रहा है उनकी तरफ. रुको ज़रा, उनको अभी ढूंढ के मारना पड़ेगा. सबसे पहले पैगा को मैंने थोड़ा बहुत फूड वगैरह खिला दिया, अभी ढूंढते उनको. भाई इधर ही कहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा यार बंदा वगैरह तो. ओके ओके ओके, तो गाइस यार सामने की तरफ मेरे को एक बंदा नज़र पे आती है. रुक जाओ ज़रा भाई, ये रहा ये बंदा, इधर से देखो भाई इसको. ये बंदा यहाँ पे खड़े खड़े हेली को डैमेज दिए जा रहा है. रुक जाओ भाई, इसको अभी मैं बताता हूँ. ये ले बेटे. ओके भाई ये तो टपक गया यार, देखते लूट क्या मिला. ओके डब्ल्यू जी और स्टील का बूट मिल गया, चलो बढ़िया है. तो फटाफट से अभी पैगा में बैठते हैं, अभी देखता हूँ भाई कौन दोबारा हेली को डैमेज देता है. यही बंदा शायद से डैमेज दे रहा था थोड़ा थोड़ा करके और इसको तो मैंने टपका दिया. तो इसको जैसे ही टपकाया देख सकते हो भाई हेली भी काफ़ी हद तक अपने बेस के पास चला जाता है. ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यार हेली पूरा का पूरा अपने बेस के बाजू में आ चुका है, बट अभी भी एनिमी लोग हेली को डैमेज दे जा रहा था. बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिरकार वो लोग कहां से छुप छुप के डैमेज दे रहे हैं. मैंने उनको थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश किया बट यार एनिमी लोग मिला नहीं. आई थिंक मैं जैसे ही उनके पास जाता हूँ ना, वो लोग भाई बुलेट फायर करना बंद करके छुप जाता होगा. खैर चलो यार बहुत हो, अभी ना मेरे को ही भाई पैगा से उतर के हेली को पूरा का पूरा फोड़ देना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं भाई सीधा हेली के ऊपर स्प्रे बजाना स्टार्ट कर देता हूँ. अब तक तो देखो भाई अपने टीममेट बस टैप टैप करके ही फायर करके हेली को अपनी तरफ खींच रहा था, बट अभी टाइम आ चुका है भाई इसको पूरा का पूरा फोड़ने का. हेली फूटने के बाद शायद से गाइस एनिमी लोग दोबारा से आ सकते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए. आ सकता है क्या भाई, वो लोग यहीं कहीं छुपका बैठा होगा. बट कोई बात नहीं भाई, पीवीपी तो हम लोग संभाल लेंगे. बस दिक्कत इस बात का है कि कहीं हेली फूटने की तुरंत वो लोग जाके कैबिनेट लगा के हेली को कवर न कर दे. तो इसीलिए मैं अपने टीममेट को भाई पहले से ही कैबिनेट वगैरह बना के तैयार रखने के लिए कहता हूँ. तो जैसे ही हेली फूटेगा अपना टीममेट जाएगा सीधा वहाँ पे कैबिनेट प्लेस कर देगा.
मेरे को एक चीज में डर लग रहा है कि मैं अभी तो भाई हेली फोड़ रहा हूँ और मेरा पूरा का पूरा ध्यान हेली के ऊपर है, कहीं पीछे से कोई बंदा आगे बजूगा या फिर कोई स्प्रे वगैरह ना मार दे। अगर अभी मेरे ऊपर अटैक हुआ ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता भाई। खैर हेली पे देख सकते हो भाई आग लग चुका है और अपना टीममेट आ चुका है हेली फोड़ने के लिए, अभी वो लोग संभाल लेगा। असल में मेरा टीममेट बीच में भाई किल हो गया था हेली से ही, तो इसलिए मैं ही उतर के हेली फोड़ने लग गया था, क्योंकि अगर मैं उतर के हेली नहीं फोड़ रहा होता तो हेली भाई सीधा उनकी तरफ चला जा रहा था। खैर चलो भाई हेली को पूरा ही फोड़ ही देते हैं भाई, बस थोड़ा सा ही हेली इसका बचा हुआ है, पूरा आग लग गया इस पर भाई, फूट जा अभी। ओके पूरा भाई 96 का डैमेज जा रहा है AKM से, बस लास्ट स्प्रे है ये ले बेटे। अरे भाई एक दो बुलेट चिपक जाए, अरे लगा ही नहीं, बट चलो कोई बात नहीं गाइस, हेली तो फाइनली यहाँ पे फूट जाता है। मेरे को अभी फटाफट से अपने पैगाम में बैठना है और देखना है कि एनिमी लोग है तो है किधर। अपने टीममेट को मैं यहाँ पे गाइस कह देता हूँ कि भाई कैबिनेट लगाने के लिए, बना हो सकता है एनिमी लोग, अगर कैबिनेट एक बार लगा दिया फिर मुश्किल होगा भाई, एक बार पैक हो गया फिर तो भूल जाओ लूट। खैर यहाँ पर गाइस मेरे को थोड़ा सा झलक दिखता है एनिमी लोगों का और फुटप्रिंट्स भी आने लगता है, तो मैं उतर के सीधा इसके ऊपर फ्लैश मार देता हूँ। बंदा यहीं पे फिनिश हो जाता है, बंदे का लूट देख लेते हैं भाई, सब कुछ गिरा ही नहीं बंदे, बस गन तो था भाई बट गिरा नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं यार, बंदे का लक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर और भी बंदे हैं, तो मैं फटाफट से अपने पैर में बैठ के दोबारा से उड़ने लगता हूँ। नीचे रहूँगा तो भाई खतरे में रहूँगा, जब तक ऊपर हूँ तब तक सेफ हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो अपने टीममेट ने भाई, अपने टीममेट नहीं भाई, इधर तो एनिमी ने भाई बैजल वगैरह लगा के पैक करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैं इसको डाउन कर देता हूँ और इधर वाला एनिमी भी डाउन हो चुका है। बाकी इधर से एक एनिमी आता है भाई साहब, यार इसको स्प्रे देता हूँ बट डाउन नहीं होता, फाइनली ये डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गाइस जो एनिमी था जो कि ऑलरेडी डाउन था, वो सेल्फ रेस्क्यू लगा के रिवाइव हो जाता है और होके मेरे को डाउन कर देता है। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट भाई 1v3 कर ही रहा था बट एंड में मैं डाउन हो जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं फटाफट से रिस्पॉन हो जाता हूँ अपने बेस पे, अभी उन लोगों को छोड़ने वाला हूँ नहीं, रुको जरा फटाफट से गन वगैरह उठा के यहाँ से चलना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ जाता हूँ एंड अपने टीममेट ने भाई फाइनली यहाँ पे कैबिनेट प्लेस कर दिया था। चलो बढ़िया है, कम से कम एनिमी लोगों ने तो कैबिनेट नहीं लगाया ना, तो नीचे की साइड पे मेरे को एनिमी दिखता है। रुक जाओ भाई, इसी ने आई थिंक मेरे को मारा था ना, चाहे जो भी मारा इसी के तो बंदा होगा ना। रुक जाओ, इसको मैंने यहाँ पे टपका देता हूँ, बट और कोई बंदा मेरे ऊपर शायद फायर किया था ना, नहीं नहीं आई थिंक अपना ही टीममेट ने इसके ऊपर फायर किया था, तो इससे गाइस मेरे को एक दो एयर गन मिल जाता है। तो चलो फटाफट से दोबारा से पैगाम में बैठते, यार ये उतार क्यों देता है भाई, जल्दी बैठा। ओके मैं पैगाम में बैठ चुका हूँ एंड देखते भाई आखिर बंदा किधर गया भाई, वो लोग अपने टीममेट लोगों ने शायद से उड़ा दिया होगा भाई। कोई बात नहीं, ये लोग दोबारा से आएगा, रुक जाओ जरा वेट करते हैं उन लोगों के लिए। ओके तो ये बंदे भाई दोबारा से यहाँ पे आ जाता है और अपने एक टीममेट को भी डाउन कर देता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हम है ना संभालने के लिए, बट शायद से अपने टीममेट लोगों ने ही पहले ही डाउन कर दिया उसको, तो चलो ठीक है भाई, अपने टीममेट ने ही पहले ही डाउन कर दिया था उसको। ये देखो भाई इधर से ये बंदा आता है एंड मैंने उसको डाउन कर दिया, और हेली भी कैसे यहाँ पे ठंडा हो चुका, अपने टीममेट ने हेली का सारा लूट उठा लिया है। हेली से हमको कुछ खास तो मिला नहीं। खैर यहाँ पर एक और बंदा दिख रहा था मेरे को, तो उसको भी हम लोगों ने टपका दिया। बाकी अपने टीममेट ने आई थिंक अभी भी जस्ट उठा लिया है हेली का लूट, बाकी यहाँ पर और कुछ बचा नहीं है। और इधर एक आयरन का चेस्ट प्लेट मिल गया, आई थिंक बंदे का पेटी से गिरा होगा। खैर इधर मैं एक दो पेटी और चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार है तो है क्या। बोन कार में भाई साहब स्टील का बोर्ड छोड़ के ऐसे ही भाग रहे थे अपने बंदे, यार ढंग से लूट भी नहीं उठाया था। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से अपने पैगाम में बैठते। और आई थिंक अपने टीममेट का ना कोई एक बंदा पीछा कर रहा था, यार अपने टीममेट का ना कोई बंदा पीछा कर रहा था और अपनी उसी टीममेट के बाद हेली का पूरा कपड़ा लूट है, तो भाई हमको उसको सेफ रखना पड़ेगा। मैं फटाफट से ग्लाइडर यूज करके भागता हूँ उस बंदे के पास में। यहाँ पर अपना दूसरा टीममेट उसके साथ फाइट तो ले रहा था, बट अपने दूसरे टीममेट के पास ना गन वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं आके भाई इसके ऊपर सीधा भर देता हूँ, बंदा तो डाउन हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं अभी बंदे से लूट क्या क्या मिलता है। बंदा उजी चला रहा था वैसे, तो इसका उजी गिरा क्या, बैंडेज पट्टी भाई गिरा नहीं यार, बंदे का क्या लग यार, हम जब गिरते अपना तो सब कुछ गिर जाता है। खैर गाइस यहाँ पर एक और बंदा दिखता है जो कि लेटा हुआ था भाई, यहाँ पर सांप बने हुए बंदे देख रहे हो यार, पबजी का आदर लग चुका है क्या इन लोगों को पबजी खेलते खेलते। खैर भाई सांप को भी हम लोगों ने टपका दिया यहाँ पे और इससे स्टील का हेलमेट भी मिल जाता है हमको। और अभी गाइस अपना टीममेट पूरी तरीके से सेफ हो चुका है हेली का लूट लेके। हेली से हमको कुछ खास लूट नहीं मिलता है, वही बेसिक सा सामान वगैरह मिल जाता है, गन कुछ 10-5 पॉइंट वगैरह। तो फाइनली गाइस हेली का लूट पूरी तरीके से अपना ही हो जाता है। वैसे हेली को ज़्यादातर डैमेज तो भाई वो दूसरे टीम वाले ने किया था, बट फिर हम लोगों ने हेली चुरा लिया।
ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टैंक फोड़ने के लिए एंड साथ ही साथ भाई एयर ड्रॉप भी आ जाता है एक ही टाइम पे। हम लोग को टैंक भी फोड़ना था क्योंकि अगर हम लोग देखो टैंक को छोड़ देंगे तो दूसरा टीम आके किल कर सकता है टैंक को, और हमको एयर ड्रॉप का लूट भी चाहिए। तो फिर गाइस मैं अपने दो टीममेट को भेज देता हूँ एयरपोर्ट पे और दो टीममेट को लगा देता हूँ टैंक फोड़ने के लिए। बाकी मैं इधर भाई दोनों जगह पे कवर देने लगता हूँ एयरपोर्ट एंड रॉकेट बेस, क्योंकि रॉकेट बेस पे आया है अपना एयर ड्रॉप। तो ये ना काफ़ी अच्छा हो चुका है कि रॉकेट बेस पे ही आया है क्योंकि दोनों जगह बाजू बाजू पे है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा भाई, मैं तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच सकता हूँ। फिलहाल तो यार मैं एयरपोर्ट पे हूँ और इधर बंदे का भी नाम आ रहा था, एक दो बंदे का नाम आ रहा है रिपोर्ट पे, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बंदे वगैरह अगर थर्ड पार्टी ना कर दे, अपने टीममेट वगैरह को किल ना कर दे। अपना टीममेट तो गाइस देख सकते हो भाई फिलहाल फुल टैंक फोड़ने में बिजी हो रखा है और मैं ऊपर से उनको कवर दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस रॉकेट बेस पे भाई रिपोर्ट में बंदे का नाम शो कर रहा था तो मैं तुरंत भाई चल पड़ता हूँ रॉकेट बेस के लिए। चल के देखते भाई आखिरकार रॉकेट बेस पे बंदा कहाँ पे है, जो भी देखेगा सीधा भाई उसके मुंह पे मैं फ्लैश भर देने वाला हूँ। भाई मैं हमेशा फ्लैश लेके घूम रहा हूँ इस सर्वर पे और लिटरली फ्लैश काफी ज्यादा खतरनाक चीज है भाई, बंदा नॉक भी नहीं होता सीधा फिनिश, क्योंकि उसके अंदर भाई चार चार सिंपल रॉकेट सेल रिलोड होता है। तो अभी सोचो चार चार अगर रॉकेट सेल जाके बंदे के मुंह पर पड़ेगा तो बंदा जिंदा थोड़ी बचेगा भाई, जिंदा तो छोर और नॉक भी नहीं रहता, सीधा रिस्पॉन का ही ऑप्शन आने वाला है उसके पास। फिलहाल गाइस मैं आ जाता हूँ अपने बैग को लेकर रॉकेट बेस पे। यहाँ पर अपने टीममेट लोगों ने भाई ड्रॉप को अनलॉक होने के लिए लगा तो दिया है कब का, बट अभी तक यार ड्रॉप का धुआं बाहर आ रहा है, ये क्या सीन है पता नहीं भाई क्या ही सीन है। बट इधर मैं रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ एक बार कि बंदा का नाम अब भी आ रहा है कि नहीं। यार यहाँ पे तो किसी का भी नाम नहीं आ रहा, ये क्या सीन हो गया पता नहीं गाइस क्या सीन है। थोड़ी देर पहले तो अपने टीममेट के पास आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा। खैर चलो यहाँ पे बंदा नहीं है तो मेरे को फटाफट पहुँचना पड़ेगा अभी एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी ना उसी बंदे का नाम शो हो रहा था एयरपोर्ट की साइड पे अपने टीममेट लोगों को। तो फटाफट से मेरे को जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पे तो पहुंच चुका हूं एंड यहां पर देख सकते हो भाई टैंक को अपने टीममेट लोगों ने फोड़ दिया है। बाकी रिपोर्ट पे बंदे का नाम तो शो हो रहा है तो मेरे को ना बंदे ढूंढना पड़ेगा भाई, इधर उधर देखते हैं भाई थोड़ा बहुत ढूंढ के, क्या पता भाई इधर छुप के बैठा हो या फिर अचानक से अटैक कर सकते हैं अपने ऊपर, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर गाइस यहां पे बंदा आके तो भाई भग जाता है। फिलहाल इधर देख सकते हो भाई टैंक अपना ठंडा हो चुका है, लूट देखते हैं भाई क्या क्या मिला। आई थिंक अपने टीममेट लोगों ने भाई सारा का सारा लूट उठा लिया, तो अपने टीममेट अभी सेल्फ फ्री करके बेस में जाने वाला है। बाकी मैं इन लोगों का लूट उठा के बेस में चला जाऊंगा पैगा पकड़ के। भाई सेल्फ फ्री कर लो यार फटाफट से। ओके अपना एक टीममेट सेल्फ फ्री कर देता है और इधर इसका गन स्टील और थोड़ा बहुत आर्मर वगैरह गिर जाता है। भाई सारा लूट उठाना है। ओके तो इधर आयरन का आर्मर वगैरह मैं उठा लेता हूँ। बाकी ये AKM वगैरह भी गिर गया है। पॉइंट किधर है भाई, कितना पॉइंट मिला? ओके तो टैंक से बस 5 पॉइंट मिला है हमको, मैंने उठा लिया। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं अपने बेस की तरफ। ओके तो एयरपोर्ट का लूट उठा के मैं सीधा आ जाता हूँ भाई अपने ड्रॉप पे जो कि है रॉकेट बेस पे। अभी देखते हैं भाई आखिर ड्रॉप से हमको क्या क्या लूट मिलता है। इधर जाइंट डोंट वगैरह खड़ा करके रखा है यार अपने टीममेट वगैरह ने। तो यहाँ पर ड्रॉप भाई फूटते ही यार देखने तो दो भाई, अपने टीममेट लोगों ने इतनी जल्दी लूट उठा लिए कि यार मौका भी नहीं मिला, एक सेकंड के अंदर पूरा का पूरा लूट गायब कर देता है। खैर चलो ठीक है भाई, वही बेसिक सामान वगैरह मिल जाता है, गन एंड पॉइंट्स वगैरह, बाकी कुछ खास तो मिला नहीं। हमको गाइस अभी चाहिए होगा टाइटेनियम का आर्मर एंड साइक्लोनाइट वगैरह, बाकी तो सब कुछ ही अपने पास आ चुका है काफी अच्छे खासा। देखते हैं आगे चल के हम लोगों को मिलता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। खैर आज के इस वीडियो पे इतना ही था गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये वाली कंप्लीट वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उसको दबा दबा के तोड़ डालो पूरा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।